नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लाइटिंग इफेक्ट है जो वो कैसे हम इस फोटोज़ पे लगा सकते हैं। वेडिंग एल्बम की डांसिंग फ़ोटो है या पोर्ट्रेट की फ़ोटो है, उस पर हम आजकल जो क्रिएटिविटी चलती है, जो लाइटिंग इफेक्ट चलते हैं, वो हम कैसे ईजी वे में लगा सकते हैं। और हम आपको कुछ लेयर्स दे रहे हैं इस टाइप की, जिससे आप लाइटिंग इफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकेंगे। इसका जो डाउनलोड लिंक है जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसका जो पासवर्ड है वो वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा, जिससे फोल्डर अनजिप हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से वो लाइटिंग इफेक्ट लगते हैं, बहुत ही यूनिक लाइटिंग इफेक्ट लगेंगे, आपको काम करने में मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ी ही देर में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये आपने लाइटिंग इफेक्ट लगाने हैं। अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स लगे हुए हैं, कुछ एग्जांपल तौर पर मैंने आपको ये शीट्स दिखाई हैं। और तो चलिए दोस्तों, फ़ोटो पे इफेक्ट लगाने के लिए हम एक फ़ोटो ओपन करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे इफेक्ट लगता है। तो एक फ़ोटो ओपन कर लिया है, इसको दोस्तों आपने शुरू में ब्लैक एंड वाइट कर लेना है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद दोस्तों इसके दो तीन तरीके होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू से भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट यू से ब्लैक एंड वाइट करने पर इतनी स्मूथनेस फोटो में और इतना कंट्रास्ट नहीं आता है। तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे यहाँ दोस्तों, ब्लैक करके और यहाँ वाइट करके। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ आप जैसे रेड हो तो आप डी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ ब्लैक कलर आ जाएगा। इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, और जस्ट आपको ग्रेडियंट मैप पे क्लिक कर देना। ओके, तो ये हमारी फ़ोटो है जो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो इसके बाद में दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट ये लेयर्स है जो हमारी टीम ने आपके लिए प्रोवाइड कराई है, इसको इसमें से एक लेयर को ओपन कर लेना है। तो जस्ट इसको मूव करके इधर ले आएंगे, ओके, और इसको बंद कर देते हैं। अब इधर लाने के बाद दोस्तों आपको इसको चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल टी दबा के और राइट क्लिक करके इसको रोटेट कर दीजिए, ओके। और जस्ट आपको लेयर्स में जाना है, विंडो में जाके लेयर्स में जाके, ठीक है, F7 दबाएंगे तो भी ये लेयर्स ओपन हो जाती है। और जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको स्क्रीन दबा देना है, जैसे ही आप स्क्रीन करेंगे ना तो ये इफेक्ट्स आ जाएगा, ओके। तो आपको कंट्रोल यू से आप चाहें तो ये इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, ओके। अब आप दोस्तों कंट्रोल फिल्टर में जाइए, ब्लर में जाइए और गैजेट्स ब्लर पे क्लिक कीजिए और थोड़ा सा इसको ब्लर कर दीजिए ताकि जो थोड़े धब्बे से है वो ना दिखे। ये देखिए इफेक्ट लग चुका है ना। इसी प्रकार से दोस्तों इसको मैं एक बार उड़ा देता हूँ, और अगर आपने ये इफेक्ट लगाना है तो ये भी परफेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया और जस्ट इसको मूव से इधर लेके आए और इसको यहाँ से स्क्रीन कर दीजिए। आप चाहे तो स्क्रीन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें और भी पैनल हैं उनको करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको स्क्रीन पे किया, ये देखिए ये भी इफेक्ट है, तो आप अलग अलग करके देख लेना, ओके दोस्तों। तो अब दोस्तों हम एक और फोटो ओपन करते हैं और उस पर आपको बताते हैं कि कैसे इफेक्ट लगता है। ये देखिए दोस्तों, एक इस वक्त फॉग का इफेक्ट भी है, इसको हम यूज करके आप बताएंगे। ये देखिए, इसमें जैसे आपने ये ओपन किया, ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स कीजिए, आप चाहे तो मूव टूल से भी खींच के लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल ए एक्स और बी कर सकते हैं, ठीक है। इस फोटो को ब्लैक एंड वाइट करेंगे, IAM इसका शॉर्टकट है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, और आप लोग इस पर चाहे तो ये वाला भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आप इस पर लगा सकते हैं इफेक्ट्स। उन फोटोज़ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी डेमो में, तो इस पर भी लगा के हम सीखेंगे। ये देखिए, जैसे हमने ये इफेक्ट लगाना है,
जस्ट इसको ओपन कीजिए और कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स के और इसको नो कर दीजिए। यहाँ आके आप इसको कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से फिर आप चेक कर लीजिए कि कौन सा इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है और जस्ट आप वो इफेक्ट रख सकते हैं। ओके, पीछे वाले फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपने ये सभी इफेक्ट्स का यूज करना है और अपनी एल्बम को अच्छे से अच्छा बनाना है। तो एक बार लास्ट में और देख लीजिए, जैसे मैंने ये फोटोज को ओपन किया, देखिए ध्यान से इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी लेयर जो आपको पसंद हो वो आप ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने ये लेयर ओपन की, ठीक है। और जस्ट इसको मूव टूल के द्वारा पहले इसको फोटो को ब्लैक एंड कर लीजिए, इफेक्ट्स अच्छा आता है। और इस पर इधर ले जाइए, ठीक है। आप चाहे तो ब्लैक एंड ना करेंगे तो भी इफेक्ट्स आ जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए। यहाँ से आप स्क्रीन कर, आप चाहे तो कंट्रोल यू से इसका कलर है जो ऊपर वाली लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ देखिए अगर किसी की फेस पर आ रहा है तो इसको थोड़ा सा आप अरेजर टूल लेके ना, ये वाला, ये इसका शॉर्टकट है, और इस पर ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो देन ये देखिए, तो ये था दोस्तों एक अच्छा टॉपिक, यूजफुल टॉपिक और स्मॉल सा टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो वीडियो का पासवर्ड मैं आपको बताना भूल गया था वो है 786, इसका पासवर्ड है। आज के लिए इतने, थैंक यू।